गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जब आप अबीजा में होते हो ना तो रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं, और आप इस हालत में उठते हो जिसमें मैं और साकिब उठे। सही बोल। आपने ऐसे किया? ये दोनों चैंपियंस ने डिसाइड किया है कि अपने नाड़ों के साथ चाबियां बांध के घूमेंगे नहीं। एक्चुअली यार कमाल नहीं हो गया। मैं उस शख्स से कह रहा हूँ भाई बैग ले जाते हैं, लेकिन नालों के साथ जिसने बैग उठाने उठा रहा है। अब हम लोगों को नहाए धोए हैं तो पिज्जा की दोबारा रात के बाद से बाइक जाना शुरू। रात क्या दिन में ही सोए थे। पिज्जा के बारे में हमें पता ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये पता है कि यहाँ बीचेस बहुत फिट हैं, पार्टी बहुत अलग, तो बाकी हम एक्सप्लोर करने लगे। होप आप लोगों को पता। ज़्यादा दूर जाने की भी नहीं जरूरत पड़ी, रात में सामने था तो ये, लेकिन बंद हो चुका था ना, ये बंद हो चुके हुए थे वो है, हम तो वहाँ गए हुए थे, तो हमें खाने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। रेस्टोरेंट्स वगैरह इतने ज़्यादा हैं यहाँ, ओपन है, और इस वक्त हम आए डेविड जो कि हार्डली 1 मिनट की वॉक पे था फ्रॉम आर होटल, एंड बेसिकली ये स्पेशलाइज करता है इन पिज्ज़ा डिलीवरी। तो जैगम का काफ़ी दिल था पिज्ज़ा खाने का, तो मैंने भी डिसाइड किया यस फास्ट फूड जंक फूड से, और तो ये भी जंक में ही कंसिडर होगा, बट थोड़ा सा चेंज तो है ना। साकिब आप कौन सा ले रहे हो? मैं कबाब पिज्ज़ा। जैगम तू? ककून। मैं भी सोच रहा हूँ कि ये जो है ना ककून टेरोज, हाँ टमेटो स्पाइसी और चिकन मंजरेला पेपर्स हैलापीनोज, मैं सोच रहा हूँ निकलवा दूँ। ऑर्डर जो जिसने लिया ना द गाय वाज एक्स्ट्रा नाइस, स्टाफ अच्छा है, लोग यहाँ के अच्छे हैं, रात को भी हमारे साथ एक्सपीरियंस बुरा तो नहीं था, पीपल आर जनरली फ्रेंडली। कैसा है मेरा तो ये है, मेरा है जी जो कहा था। तेरा कौन सा? हमने बार्सिलोना में खाया था, उससे डेफिनेटली ये बेहतर है। इसकी प्राइस कितनी है? 11.95 यूरो है, एंड इट्स गुड फॉर अ सिंगल सर्व। बड़े तरीके में पॉल वैन डाइक अटेंड करना चाहता हूँ, बट डेटे उसकी हमसे जिस दिन निकल रहे हैं उससे अगले दिन वो आ रहा है। टू बैड वीजा है और उसको नहीं सुन। क्या एक दो जगह हैं, एक आइला मार्गरीटा है और एक है स्वर्धा है। किस चीज़ के लिए? ये है कि आपको वाटर स्कूटर जेट सी दे देगा। हाँ, और ये आगे जाएगा, आपने इसको फॉलो करना है। अच्छा। हाँ, ये उधर जाएगा उस आइलैंड तक जाएगा, आप उसके पीछे पीछे खुद चला के चलेगा तो करें। एक जो है वो सिर्फ 180 यूरोस का है और दूसरा सिर्फ 120 यूरोस का है। यार इतने एक्सपेंसिव क्यों है ये? इतने में मैं पाकिस्तान पहुंच गया। बहुत एक्सपेंसिव, काफ़ी सस्ते में ले लिया। इसकी डिटेल्स मैं अभी बताता हूँ, ज़रा पे कर। अच्छा हमें 55 यूरो के हिसाब से पर मिली है, बहुत अच्छी डील मिली है। एक जेट्स की एक इंडिविजुअल 55 यूरो। तो जैगम अपनी ले रहा, मैं अपनी ले रहा हूँ और साकिब अपनी ले रहा। आई कॉन्ट ब्लॉक ऑन दैट, बट 40 मिनट्स का राइट टाइम है, हमें ये घुमाएंगे।
ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वॉज टोटली वर्थ द 55 euros यार, 40 मिनट मिले और क्या मज़ा आया। और जो उस बंदे ने हमें ले कर जाते जाते तक अपनी बोट में जिस तरह का उसने राइड कराई है ना, यकीन मानो हम तीनों की तो पैक हो गई थी, लेकिन वर्थ इट है 55 euros के यार। नॉट फॉर 100 या 60 बट 55 में इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। ज़रूर आओगे इधर तो फिर ज़रूर ट्राई करना, हाईली रिकमेंडेड है। जगह का मैं दिखा देता हूँ दुकान का, वो ये इफ यू कैन सी जेट्स की रेंटल्स एंड टोर्स। फिलहाल हम जा रहे हैं, सामने हमारे बीच है, हमने कहा गीले हो ही गए तो स्विम वीजा आए और बीच में ना करें। ऑल दो यार तू भी आज कर ले यार, एज यूजुअल ये नहीं करेगा, पर हम ये मौका जाने नहीं देंगे। मैं और साथ कितनी जगह पे देखने को मिलती हैं दुनिया में, पार्टी, बीच एक्टिविटीज। पार्टी का लेवल टू गुड है। खैर अभी मैंने पहले भी बोला था जा रहे हैं वापस होटल तक, क्योंकि डेस्परेटली नीड टू टेक अ शावर आफ्टर ऑल द नमक खाएंगे, तो उसके बाद जो है हम वापस इधर ही आ रहे हैं पार्टी करें। अच्छा भाई तो ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इट्स क्वाइट लेट एंड आई एम टायर्ड। काफ़ी मज़ा आया मुझे और साकिब को, एंड हम लोग मतलब मुझे साकिब और बेगम को, ऑब्वियसली थर्ड मस्किटीर, ये मैं उसकी वजह बताऊंगा इसका हमने नाम क्यों रखा है। खैर छोड़ो इन बातों को, सुबह हमने ट्रैवल भी करना है, यहाँ भी थोड़ा एक्सप्लोर और करेंगे, और ये है कि डेफिनेटली पिज़्ज़ा ऑन है फुल टाइम, तो लाइक ऑलवेज स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड पीस आउट।